हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं पुलिस से रिलेटेड जितनी भी आपको प्रॉब्लम्स हैं, पुलिस से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, उनको हम आज सॉल्व करेंगे। अगर आपने मेरा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पार्ट 1, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पार्ट 2 नहीं देखा है तो यूट्यूब पे टाइप करें लॉज ऑफ मोशन 01, लॉज ऑफ मोशन 02, साथ में अटैच करें फिजिक्स वाला और देखें मेरे दो वीडियो। इसके अलावा अगर आप चाहें तो कंस्ट्रेंट मोशन का वीडियो देख सकते हैं अगर आप आईटी जेई या नीट की तैयारी कर रहे हैं। और यदि ये सारे वीडियो आप नहीं भी देखना चाहते, सिर्फ पुली की ट्रिक सीखने आए हैं, तो आइए मेरे साथ। मैं 7-8 क्वेश्चन के अंदर पुली से रिलेटेड जिस तरह के भी सवाल बन सकते हैं वो डिस्कस करूंगा, उसमें कुछ ट्रिक्स बताऊंगा और एग्जैक्ट मेथड बताऊंगा। देखो, इधर उधर की ट्रिक्स से सिर्फ काम नहीं चलेगा, एग्जैक्ट मेथड कंसेप्ट भी आना चाहिए, वो भी बताऊंगा। एच सी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 28 एक बार जरा बुक खोल के देख लेना। वो क्वेश्चन आप अपने कोचिंग टीचर से, स्कूल टीचर से जहां पूछोगे उसका एग्जैक्ट मेथड बताऊंगा कि कैसे करना है। इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस कितने इजी होते हैं, जिसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, ऐसा करो कुछ नहीं, सबके शॉर्टकट, सबके एग्जैक्ट कंसेप्ट। चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको बता देते हैं सिंगल फिक्स पुली का क्वेश्चन। देखो, पुली की अपनी कहानी स्टार्ट होती है क्लास 11th में यहां से, ठीक है। अब ये सिस्टम तो सबको पता होगा, है ना, एक ये वाला, इसको अपन एटवर्ड मशीन बोलते हैं, ठीक है। एक मास इधर से लटका लिया, एक मास इधर से लटका लिया, जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे 1 kg का मास है और यहाँ पे 3 kg का मास है, तो ये वाले क्वेश्चन सभी को आते हुए करना। इधर 1 kg, इधर 3 kg, क्या करेंगे हम, टेंशन बनाएंगे, यहाँ पे टेंशन ऊपर की तरफ, यहाँ पे टेंशन ऊपर की तरफ, इधर 3 kg का मास है तो डेफिनेटली पुली इस तरफ गिरेगी, तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ए। अब जितनी नीचे ये गिरेगा उतनी ऊपर ये बढ़ेगा, तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ ए, क्योंकि रस्सी से दोनों बंधे हुए हैं, कंस्ट्रेंड मोशन है, जितनी नीचे ये जाएगा उतनी ऊपर ये, तो इसका एक्सेलरेशन नीचे है उसका ऊपर है। दोनों की अलग अलग एक्टिविटी बनाएंगे, इस पे लगने वाली फोर्स, नीचे की तरफ mg यानी 3g, ऊपर की तरफ टेंशन, इस पे नीचे की तरफ mg यानी 1g, ऊपर की तरफ टेंशन। इक्वेशन लिखी जाए दोनों की, आइए इसकी इक्वेशन लिखते हैं, इस वाले की इक्वेशन लिखते हैं। ये वाला जा किधर रहा है, नीचे की तरफ, तो किस तरफ की फोर्स पॉजिटिव होगी, ये वाली, तो इस वाले की इक्वेशन क्या बनेगी, 3g माइनस टी इज इक्वल्स टू 3a। समझ में आ रहा है, नेट फोर्स कितनी हुई इसके ऊपर, नीचे की तरफ 3g, ऊपर की तरफ टी, तो 3g में से टी को माइनस कर लिया, इज इक्वल्स टू ma, तो 3a। इस वाले की इक्वेशन बताओ, ये जा किधर रहा है, ऊपर, तो हम क्या लिखेंगे, टी माइनस जी। भाई इसका मोशन ऊपर की तरफ है तो टी वाली फोर्स पॉजिटिव, ये वाली फोर्स नेगेटिव, इज इक्वल्स टू मास कितना है, 1 ma, 1 इनटू a, ये हो गया। दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं, t से t मर जाएगा, 3g माइनस 2g, सॉरी g 2g, और इसको ऐड करोगे 4a, यहां से a की वैल्यू आएगी g बटे 2, तो g की जो भी वैल्यू रख दो, 10 है तो रख दो, 9.8 है तो रख दो, मैं अब g की वैल्यू नहीं रखूंगा, आज आपको कांसेप्ट सिखाने आया हूं, g की जो वैल्यू है रख दो, उससे आपको आंसर मिल जाएगा। अब सुनो आंसर लिखना कैसे है, ये वाला नीचे जा रहा है तो इसका एक्सेलरेशन होगा माइनस जी बाई 2, और ये वाला ऊपर जा रहा है तो इसका एक्सेलरेशन होगा प्लस जी बाई 2। भाई ये नीचे की तरफ मूव कर रहा तो माइनस जी बाई 2, ये ऊपर जा रहा तो प्लस जी बाई 2। कैसे किया समझ में आया, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, इसके ऊपर फोर्स 3g, ऊपर की तरफ टी, मोशन किधर है, नीचे, तो जब नीचे का मोशन है तो इक्वेशन क्या बनेगी, 3g माइनस टी, नीचे की फोर्स ज्यादा होगी तभी तो नीचे आ रहा है, माइनस टी इज इक्वल्स टू ma, m क्या है 3 इनटू a, लिख लिया। इस वाले में ऊपर जा रहा तो ऊपर की फोर्स पॉजिटिव टी, नीचे वाले नेगेटिव माइनस जी, एम ए, 1 इनटू ए, न्यूटन सेकंड लॉ पे काम कर रहे हैं अपन, एफ नेट इज इक्वल्स टू एम ए, तो नेट फोर्स इस पे ये है, इस पे ये इज इक्वल्स टू एम ए, दोनों को ऐड कर दो, टी टी कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू आ गई। अगर आपसे क्वेश्चन में कहता है टेंशन भी निकालो, मोस्ट ऑफ द टाइम बोलता है, तो ए की वैल्यू उठा के यहां पे पुट कर दो, आपको टेंशन मिल जाएगा, ये ए की वैल्यू उठा के यहां पे रख दो, आपको क्या मिल जाएगा, टेंशन की वैल्यू। फिर ऐसे क्वेश्चन का आपको शॉर्टकट भी पता होता है, ये बहुत सिंपल ले रहा हूं मैं, अभी आप 40 मिनट्स चलो तो मेरे साथ आपको समझ में आएगा। इसका एक शॉर्टकट होता है यार, शॉर्टकट सबको पता होगा, क्या शॉर्टकट यार, अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो आप एक काम करो, आप नेट फोर्स देख लो अपॉन नेट मास देख लो, क्या देख लो, नेट फोर्स और नेट मास। अब देखो, इधर से 3g नीचे खींच रही, इधर से 1g, बाकी जो टेंशन फोर्स है ये इंटरनल है, टेंशन की फोर्स कैसी होती है, इंटरनल, तो मैंने इसको हटा दिया, इंटरनल फोर्सेस को हटा दिया, इधर से 3g नीचे, इधर से 1g नीचे, तो नेट फोर्स कितनी हुई, एक तरफ से 3g नीचे, एक तरफ से 1g नीचे, भाई इधर से 3g खींच रहा है, इधर से 1g, तो 3g माइनस 1g, ओवरऑल फोर्स किस तरफ है, इस तरफ है, कितनी, 3g माइनस 1g, एक्सटर्नल फोर्स, कौन सी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, टेंशन तो इंटरनल है उसको छोड़ दो, अपॉन नेट मास कितना है, 3 + 1 = 4, तो ये कितना हो गया, 2g बटे 4, तो देखो एक्सेलरेशन कितना कितना आ गया, अरे भाई साहब कितना आ गया, g बाई 2,
है ना, कोई जरूरत नहीं इक्वेशन बनाने की, सीधा एक्सेलरेशन जी बाई टू। पर इक्वेशन बनाए बिना टेंशन नहीं निकल सकता, जो टेंशन हम निकाल लेते हैं वो विदाउट इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकता, उसके लिए इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ये एक शॉर्टकट मैं बता रहा, नेट फोर्स देख लो, इस तरफ 3g, इस तरफ 1g, तो ओवरऑल फोर्स किस तरफ है, इस तरफ कितनी है 3g-1g, है ना। इसका मैं तरीका भी बता चुका हूं आपको कि इसको आप ऐसे रख लो सीधा, ठीक है, इस पूरे सिस्टम को उठा के सीधा रख लो। अब देखो इस तरफ फोर्स 3g, पीछे की तरफ फोर्स 1g, और ये टेंशन की फोर्स हो गई इंटरनल। टेंशन की फोर्स कैसी हो गई इंटरनल, इसको छोड़ दो। 3g इस तरफ, 1g इस तरफ, बची कितनी 3g-1g, 2g बटे मास रख दो 1+3=4 आ गया आंसर। चलिए ये सब शॉर्टकट आपको पता थे मेरे ख्याल से, टेंशन निकालने का तरीका भी पता था। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और सिंपल से ले लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लिकेटेड सवाल। एक और क्वेश्चन जब अपनी प्रैक्टिस के लिए आप देखिए आपको आ रहे हैं कि नहीं। जैसे मान लो हम यहाँ पे एक ब्लॉक ले लें, कुछ भी मास ले लो, मैंने ले लिया 5 kg सपोज, और यहाँ पे एक ब्लॉक और ले लिया है ना, यहाँ इसका मास मैंने ले लिया मान लो 10 kg, ठीक है। 1 भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी। चलो मैं ले लेता हूँ 1 kg, ठीक है। अच्छा अब बताओ ये पूरा सिस्टम किस तरफ जाएगा, नीचे की तरफ किस तरफ भागेगा, मास किधर ज्यादा है, मास इधर ज्यादा है, भागेगा किधर, इधर भागेगा। अरे भाई ये मास ज्यादा है पर कोई फोर्स थोड़ी ना है, फोर्स तो एक ही लग रही है, ये वाली 1g, यही तो नीचे खींच रही। 5g को जो नीचे खींच रहा उसको तो नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर देगा, तो इसकी वजह से कोई मोशन नहीं होगा, मोशन होगा 1g की वजह से। सोच के देखो अगर मैं इसको ऐसे लटका दूं तो ये इधर गिरने लगेगा, ये आगे बढ़ने लगेगा। मान लो इसका इस तरफ एक्सेलरेशन a, जो जितनी रस्सी आगे बढ़ेगी उतनी रस्सी आगे बढ़ेगी, तो इसका एक्सेलरेशन भी इस तरफ कितना होगा a। भाई जितनी रस्सी नीचे जाएगी उतनी रस्सी आगे बढ़ेगी, इसका ये तो इसका भी है। अब इक्वेशन बना लो, यहाँ पर टेंशन ऊपर की तरफ t, यहाँ टेंशन इस तरफ t। टेंशन लगाना आता ही होगा आपको, अवे फ्रॉम पॉइंट सिखाया मैंने पहले दो वीडियो में, यहाँ से ऊपर की तरफ, यहाँ से अवे फ्रॉम पॉइंट। इसकी इक्वेशन लिखो, जा किधर रहा है नीचे, तो ये वाली फोर्स पॉजिटिव, ये वाली फोर्स नेगेटिव, क्योंकि जा किधर रहा है नीचे, जिधर एक्सेलरेशन है वो डायरेक्शन पॉजिटिव, यानी नीचे वाला पॉजिटिव। तो हम लिखेंगे g - g = ma (1 into a) mg - t = ma। इस वाले में देखो फोर्स क्या है, सिर्फ t है और पीछे की तरफ कोई फोर्स नहीं है, तो t, इसकी इक्वेशन t = m, कितना है 5, एक्सेलरेशन कितना 1। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, t से t मर जाएगा, g = 5a + a 6a, यहां से a की वैल्यू g बटे 6। इसका एक्सेलरेशन कैसा होगा -g/6, क्योंकि ये नीचे जा रहा है। इसका एक्सेलरेशन कैसा होगा +g/6, क्योंकि x एक्सिस में पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, x एक्सिस में पॉजिटिव में, ये किधर जा रहा है नीचे, तो -g/6। बाकी टेंशन निकालनी है तो a की ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो, तुम्हें क्या मिल जाएगा, टेंशन मिल जाएगा। a की ये वैल्यू यहां पुट कर दो, टेंशन क्या, a की वैल्यू क्या है, ये g/6। इक्वेशन कैसे बनाई, इसके लिए हमने बोला 1g नीचे, t ऊपर, तो नेट फोर्स किधर है नीचे, क्योंकि ये नीचे जाएगा, तो 1g - t = ma। इसके लिए फोर्स इधर, तो मैंने लिखा t = 5 into a, दोनों को ऐड कर दिया, t से t मर गया, g = 5 + 1 6a, a की वैल्यू g/6। अब जरा देखो इसको भी शॉर्टकट से लगा सकते थे, ले जरा शॉर्टकट देखते हैं। इस मास को उठा के ऊपर रख लो, ठीक है, इसको भी उठा के मैंने ऊपर रख लिया। चलो ये 5 वाला, ये 1 वाला, इस तरफ फोर्स कितनी है 1g, इस तरफ फोर्स कितनी है कुछ भी नहीं, इधर कोई भी फोर्स नहीं है, इधर फोर्स कितनी है 1g। और जो ये टेंशन की फोर्स है बच्चों, ये तो इंटरनल है सिस्टम के अंदर की है, इस पूरे सिस्टम में कितनी फोर्स लग रही है 1g। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू नेट फोर्स अपॉन नेट मास, नेट फोर्स कितनी है g, नेट मास कितना है 5 × 6, कितना आ गया एक्सेलरेशन g/6। तो मैंने शॉर्टकट बताया कि एक्सेलरेशन आप नेट फोर्स अपॉन नेट मास, पूरे सिस्टम में फोर्स देखना और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स, कौन सी फोर्स देखना, एक्सटर्नल फोर्स। मैं फिर भी बोल रहा हूं, अगर आप क्लास 11th में हो अगर और आप लॉज ऑफ मोशन के पहले दो वीडियो नहीं देखे हो तो उसको देख लो, आपका कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा, तब ये सब और आसानी समझ आएगा। तो चलिए ये दोनों बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम्स हो गए। टेंशन निकालने के लिए एक्सेलरेशन की ये वैल्यू इस पे रख देना, इसकी इक्वेशन क्या बनाओगे, t = 5, इधर फोर्स t = 5ma, a की वैल्यू रख दो, टेंशन मिल जाएगा। आइए अब सॉल्व करते हैं कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स जो हमारी एचसी प्रॉब्लम में दी रहती है इसकी। चलिए देखते हैं हम प्रॉब्लम, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा कि यहाँ पे एक पुली है, यहाँ पे एक मास है, और एक पुली यहाँ लगा ले। ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे एचसी बुक में दिए रहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 2 kg का मास है, मास की वैल्यू मैं कुछ भी ले रहा हूँ, बुक से एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं ले रहा, कंसेप्ट से ले रहा कि वैल्यूज तो याद नहीं रहती है। मान लो ये 5 kg है,
अब हमसे कहा कि आपको स्ट्रिंग में टेंशन बताना है और एक्सक्लेमेशन बताना है, वही पुराने क्वेश्चन। तो अपन यहां पे मार्क करेंगे टेंशन टी, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है तो यहां पे भी टेंशन टी, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है तो इस मास को इस तरफ खींचती हुई टेंशन भी टी। जब तक स्ट्रिंग सेम रहती है टेंशन सेम रहती है। अब दिमाग चलाओ, अगर ये ए डिस्टेंस या ए एक्सेलरेशन से नीचे आया तो ये स्ट्रिंग ए एक्सेलरेशन से आगे बढ़ेगी और ये स्ट्रिंग भी ए एक्सेलरेशन से। क्यों? क्योंकि ये पुली फिक्स्ड है। कैसी पुली है? फिक्स्ड। भाई साहब जब तक फिक्स्ड पुली हो ना तब तक इसका एक्सेलरेशन अगर ए तो उसका एक्सेलरेशन भी है। ये पुली भी कैसी है? फिक्स्ड है, है ना। सोचो ये एक्स खींचा तो ये एक्स खींचा, ये एक्स खींचेगा ये भी एक्स ही तो बढ़ेगा। जब ये एक्स खींचेगा तो ये भी एक्स बढ़ेगा, मतलब इसकी एक्सेलरेशन है तो इसकी एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में ए बोल देंगे। बस इक्वेशन लिखनी है, बताओ इस पे नीचे की तरफ फोर्स कितनी लगेगी? 2g, ठीक है। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? नीचे जा रहा है तो इक्वेशन क्या बनेगी? 2g minus t is equals to 2a, समझ में आ रहा? mg minus t is equals to m into a, ये बनेगी इसकी इक्वेशन। ये इस तरफ जा रहा है, इस पे लगने वाली फोर्स सिर्फ t और कोई फोर्स इसके ऊपर नहीं है, तो t is equals to ma यानी 5a। फिर वही करना है, दोनों को जोड़ दो, t से t मर जाएगा, 2g is equals to 5 to 7a, a is equals to 2g बटे 7। फिर टेंशन निकालना है तो a की वैल्यू उठा के यहां पे रख दो, टेंशन मिल जाएगा। शॉर्टकट भी लगा सकते हो, जितनी देर से बार बार सीख रहे हो, शॉर्टकट में क्या करोगे? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू नेट फोर्स डिवाइड बाई नेट मास। कौन सी फोर्स है जिसकी वजह से नीचे गिर रहा? 2g, ये तो कोई फोर्स दे नहीं रहा, और टेंशन कैसी फोर्स है? इंटरनल। तो टोटल फोर्स हो गई 2g, टोटल मास 257, तो 2 बटे 7g। देखो एक्सेलरेशन सेम आ गया, टेंशन के लिए क्या बनाना पड़ेगा? फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। आइए अब देखते हैं कॉम्प्लिकेटेड सवाल। तो अब आपको दिखाते हैं कॉम्प्लिकेटेड पुली की सिस्टम, जिसमें मूवेबल पुली वगैरह आ जाती हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं कंसेप्ट इसका। मान लीजिए एक पुली यहाँ पे है, एक पुली यहाँ पे है, ये लगा दिया, ये मास मान लीजिए हमारा कुछ 2kg का है, ये मास मान लीजिए हमारा कुछ 1kg का है, और हमसे कहा टेंशन और एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो अपन पहले स्ट्रिंग में टेंशन बना ले, यहाँ पे टी अवे फ्रॉम पॉइंट, यहाँ पे टी अवे फ्रॉम पॉइंट, यहाँ पे टी अवे फ्रॉम पॉइंट। इस स्ट्रिंग को ऊपर कौन सी टेंशन खींच रही? टी टी, तो यहाँ टेंशन कितनी आ जाएगी? 2t। टी टी ऊपर खींचा तो इस मास को कौन खींच रहा? 2t। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अगर ये एक्स डिस्टेंस नीचे आया तो क्या ये भी एक्स डिस्टेंस ऊपर आएगा? देखो अगर फिक्स्ड पुली होती तो ऐसा होता, तो आप बोलोगे हाँ भाई फिक्स्ड तो है, पर ये पुली देखो कैसी है, ये पुली है मूवेबल। कैसी है? मूवेबल। अब हम नहीं कह सकते कि इसका एक्सेलरेशन ए तो इसका ए, मेरी बात ध्यान से सुनो, जब भी मूवेबल पुली आ जाए हम श्योर नहीं हो सकते जो इसका एक्सेलरेशन वही इसका एक्सेलरेशन। तो ऐसे केस में आपको दो तीन तरीके हैं, पहले तो है इमेजिन करना, तो पहले तो इमेजिनेशन से सीखना बहुत जरूरी है। चलो मैं आपको समझाता हूँ। मान लो ये पुली यहां से ऊपर उठकर, ये पुली यहां से ऊपर उठ के यहां आ गई, कितनी ऊपर आई? मान लो x डिस्टेंस ऊपर आई। जब ये पुली x डिस्टेंस ऊपर आएगी तो स्ट्रिंग इधर से भी x खाली होगी, इधर से भी x खाली होगी, मतलब स्ट्रिंग यहां से पास करेगी, मतलब इस तरफ कितनी स्ट्रिंग नीचे आएगी? इस तरफ नीचे की तरफ 2x स्ट्रिंग आएगी। सोचो आराम से, ये पुली जब ऊपर जाएगी तो ये वाली स्ट्रिंग भी खाली, ये स्ट्रिंग भी खाली, और दोनों स्ट्रिंग यहां से पास करके इधर गिरेंगी, मतलब जब ये x ऊपर उठेगा तब ये मास 2x नीचे गिरेगा। क्या ये बात फील हो रही है आपको कि जब इसको आप x ऊपर उठाओगे तो ये स्ट्रिंग भी खाली x वाली, ये भी ऊपर, ये x, ये पूरी स्ट्रिंग यहां से निकल जाएगी, यहां से स्ट्रिंग कितनी इस तरफ आएगी? 2x की स्ट्रिंग आएगी, यानी ये जब x ऊपर तब ये 2x ऊपर। मान लो इसकी स्पीड ऊपर की तरफ v तो इसकी स्पीड नीचे की तरफ 2v, मान लो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 2a। क्या फील हो रही है बात? फील हो रही है। उल्टा सोचो, सोचो इसको x नीचे लेके आए, इसको जब x नीचे घसीटोगे तो स्ट्रिंग कितनी नीचे लेगा? 2x। भाई जब इसको x नीचे लोगे, मान लो इसको मैं यहां ले आया, यहां से x डिस्टेंस नीचे, तो इसको इधर से भी x स्ट्रिंग चाहिए होगी, इधर के लिए भी चाहिए होगी, पूरी इसी से तो मांगेगा, तो इसको कितना ऊपर आना पड़ेगा? 2x। मतलब जब इसका डिस्प्लेसमेंट x हो रहा तो इस वाले का 2x, यानी इसका एक्सेलरेशन a तो इसका 2a, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया। अच्छा चलो इसको एक दूसरे तरह से बता सकते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर बताते हैं वो तरीका। आइए FBD बनाएं। नीचे की तरफ फोर्स कितनी लगने वाली है? 2g, ऊपर की तरफ t। इसकी इक्वेशन क्या लिखोगे? नीचे जा रहा है मास, नीचे जा रहा है, है ना, तो नीचे की तरफ फोर्स 2g माइनस ऊपर वाली फोर्स टी इज इक्वल्स टू एम ए। एम कितना है? 2,
और एस्केलेशन 2a है, तो ma यानी 2 into 2a कितना 4a, ये इसकी इक्वेशन बन गई। इस वाले की इक्वेशन सोचो, नीचे की तरफ फोर्स बोलो 1g, ऊपर की तरफ 2t, जा किधर रहा है ऊपर, मतलब ऊपर की फोर्स पॉजिटिव, इस पे ऊपर कितनी फोर्स लग रही 2t लग रही, tt मिलाकर, ठीक है। तो 2t माइनस नीचे की तरफ g इज इक्वल्स टू ma 1 into a, ये बन गई हमारी दो इक्वेशन। अब इसको ऐड करोगे तो t कैंसिल इस बार नहीं होगा, ऐड करके देखो इस बार t कैंसिल नहीं हो रहा, यहां पे t है यहां पे 2t है, कैंसिल नहीं हो रहा अपना, तो कैसे होगा, कुछ नहीं इसको मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दो, तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4g माइनस 2t इज इक्वल्स टू 8a, और दूसरी वाली इक्वेशन को एज इट इज लिख लो 2t माइनस g इज इक्वल्स टू a, दोनों को ऐड कर दो, अब सही है 2t 2t कैंसिल, 4g माइनस g 3g, 8a प्लस a 9a, यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई g बराबर 3, कितनी आ गई g बराबर 3। तो इसका एस्केलेरेशन a है, a मतलब g बराबर 3, और कैसा लिख लूं प्लस, क्योंकि ऊपर जा रहा है। इसका एस्केलेरेशन 2a है, मतलब इसका एस्केलेरेशन होगा 2a यानी 2g by 3, और कैसा लिखूं नेगेटिव, इसका एस्केलेरेशन 2g by 3 नेगेटिव, क्योंकि नीचे जा रहा है, ध्यान दो इसका एस्केलेरेशन जब a होगा तब इसका एस्केलेरेशन नीचे की तरफ 2a होगा, मैंने इमेजिन करके आपको सिखाया कैसे इमेजिन करना है, कैसे समझना है। इसके बाद आपसे होगा तो टेंशन पूछेगा, तो आप एस्केलेरेशन की वैल्यू पुट करके टेंशन भी निकाल लोगे, ठीक है, समझ में आ रही है बात, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा अब इस पे नेट फोर्स अपॉन नेट मास का कांसेप्ट आप मत लगाना, ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया। अब एक बात सुनो, इसको इमेजिन करने का और भी एक तरीका है, और क्या तरीका है इमेजिन करने का, चलो दिखाता हूँ आपको, मैं एक कंसेप्ट बताता हूँ। अगर आपने मेरा कंस्ट्रेंट मोशन का वीडियो देख रखा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं देख रखा तो आइए समझिए एक कंसेप्ट, ठीक है। मान लो ये कोई पुली है और इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a है, और ये दो मास हैं, इसका एक्सेलरेशन मान लो a1, इसका एक्सेलरेशन a2, इसका मान लो ऊपर, इसका मान लो नीचे। अगर मूवेबल पुली है मेरे पास, कैसी पुली है, मूवेबल पुली है और उसके दोनों एंड का एक्सेलरेशन कुछ है, तो मूवेबल पुली का जो एक्सेलरेशन होगा बच्चों वो आएगा a1 plus a2 divided by 2, एंड इनको विद साइन रखना, कैसे रखना विद साइन, जैसे पुली ऊपर जा रही तो उसका a प्लस, a1 ऊपर जा रहा तो वो भी प्लस, a2 नीचे जा रहा तो इसको क्या लिखना पड़ेगा माइनस, ठीक है। फॉर्मूला तो वैसे यही रहेगा, एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज इक्वल्स टू a1 प्लस a2 डिवाइड बाय 2, फॉर्मूला यही रखो, बस ध्यान देना कि कौन ऊपर जा रहा है कौन नीचे जा रहा है, और उस हिसाब से रख देना, अगर पुली ऊपर जा रही है तो पुली का प्लस, पुली ही नीचे आ रही तो पुली का माइनस कर देते हैं, बाकी दोनों को देख लो कौन ऊपर कौन नीचे, और इस तरह से आप मूवेबल पुली का एस्केलेशन रिलेट कर सकते हो। नहीं समझ में आया, आओ एग्जांपल में तब दिखाते हैं, अब आपको इमेजिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आ जाओ उसी एग्जांपल को फिर से मैं ड्रॉ करता हूं। अब देखो विदाउट इमेजिनेशन आप उसी एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हो, 2 यहां पे कितना था 1, चलो भाई मान लिया इसका एस्केलेशन a, तो बच्चों ये स्ट्रिंग को खींचेगा a से नीचे, ये स्ट्रिंग यहां से खींचेगी a से ऊपर, यानी ये ऊपर खींचेगी a से, ठीक है ठीक है। पुली का एस्केलेरेशन नहीं पता, लेट दिस एस्केलेरेशन बी ए बी, अब मूवेबल पुली यही है, दिस इज अ मूवेबल पुली, ये इसके दो एंड है, इस तरफ का एस्केलेरेशन ऊपर की तरफ a, और बच्चों इस तरफ का एस्केलेरेशन 0, क्यों, क्योंकि तो बंधा हुआ है, ये बंधा हुआ है, कोई एंड बंधा हुआ है तो उसका तो कोई एस्केलेरेशन नहीं है, ये एंड ऊपर खींच रहा है किस एस्केलेरेशन से, a से, ये 0 से, पुली का एस्केलेरेशन आपने ए पी माना, तो ए पी इज इक्वल्स टू इधर का एस्केलेरेशन a प्लस यहां का 0 डिवाइड बाय 2, तो एस्केलेरेशन ऑफ पुली इज इक्वल्स टू a बराबर 2, मतलब पुली का एस्केलेरेशन इसके एस्केलेरेशन का हाफ होगा, पुली का एस्केलेरेशन इसके एस्केलेरेशन के हाफ होगा। तो याद करो हमारा ये था 2a और ये कितना था a, देखो सेटिस्फाई हो रही है बात, पुली का एस्केलेरेशन इसके एस्केलेरेशन के हाफ आ रहा है, यानी इसका एस्केलेरेशन 2a इसका, इस तरफ का एस्केलेरेशन a हुआ क्योंकि स्ट्रिंग a से खींच रही, इस तरफ का 0, फिर हमने लिखा एस्केलेरेशन ऑफ पुली इज इक्वल्स टू a प्लस 0 बाय 2, एस्केलेरेशन ऑफ पुली आया a बाय 2, यानी इसके एस्केलेरेशन का आधा, मैंने इसके एस्केलेरेशन को मान लिया 2a ताकि पुली का आ जाए a, और फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, तो मूवेबल पुली में ये ट्रिक काम करेगी। आइए देखते हैं दूसरा सवाल,
चलिए मूविंग पुली का कंसेप्ट समझ में आ गया, आइए मूविंग पुली का नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। यहाँ पे पुली, यहाँ पे पुली, डिंग 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 डिंग, ये देखो फिक्स पुली है, ये लगा दी मैंने मूविंग पुली, ये भी फिक्स पुली है और यहाँ लगा दिया एक मास, ठीक है। अब देखो ये फिक्स, ये फिक्स, ये मूविंग पुली देख रहा है ना, मूव कर सकते हैं। ये मास मान लो अपना है 1 kg का, सपोज ये मास मान लो अपना है 3 kg का, कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं अपन, ठीक है। चलो भाई साहब टेंशन मार्क की जाए, चलो यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से करते हैं। इस तरफ टेंशन टी, ऊपर की तरफ ये स्ट्रिंग सेम है, यहाँ पे भी टेंशन टी है ना, ये पूरी स्ट्रिंग सेम दिख रही है। अवे फ्रॉम द पॉइंट टी, यहाँ पे टेंशन इस तरफ टी, अवे फ्रॉम द पॉइंट टी टी, यानी इसको कौन उठा रहा है, 2T। देखो स्ट्रिंग चेंज हो गई तभी टेंशन चेंज हुई, टी टी उठा रहा तो यहाँ पे 2T लगा दिया। अब दिमाग लगाना है कि क्या दोनों का एक्सेलरेशन ए ए होगा या कुछ अलग, मतलब इसका ए मानेंगे तो इसका भी ए आएगा कि नहीं, ये सोचना है। देखो ये मूवेबल पुली है, दिस इज अ मूवेबल पुली, मूवेबल पुली। अपन एक काम करते हैं, अपन मानते हैं इसका एक्सेलरेशन ए और इधर का एक्सेलरेशन दिख रहा है कितना है, 0, क्योंकि ये स्ट्रिंग बंधी हुई है। पुली के एक्सेलरेशन को एपी बोल दो तो आप बोलोगे एपी इज इक्वल्स टू, देखो ये वाला पार्ट ना ऊपर खींच रहा ना नीचे आ रहा है, इस पार्ट का एक्सेलरेशन 0 और इसका एक्सेलरेशन आपने ए माना, किस तरफ, नीचे की तरफ, चलो ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ए मान लिया, ठीक है। पुली किधर जाएगी, पुली भी नीचे ही जाएगी क्योंकि यही तो नीचे गिरने वाला है, तो पुली का एक्सेलरेशन भी एपी किधर, नीचे की तरफ। क्या फॉर्मूला था, एपी इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू डिवाइड बाई टू विद साइन। अब एपी किधर जा रहा, नीचे, तो माइनस एपी इज इक्वल टू ए वन, यानी ये किधर जा रहा, नीचे, माइनस ए, और इसका एक्सेलरेशन 0 डिवाइड बाई 2, सो माइनस ए पी इज इक्वल टू माइनस ए डिवाइड बाई 2, ये कैंसिल, यानी एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज ए बाई 2, जो इसका एक्सेलरेशन होगा, पुली का एक्सेलरेशन उसका आधा होगा। अब बिना इमेजिन किया आपने किया ये, जो इसका एक्सेलरेशन होगा, पुली का एक्सेलरेशन इसका आधा होगा। तो एक काम करते हैं, इसके एक्सेलरेशन को अपन 2a मानते हैं, तो पुली का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। क्वेश्चन की सारी भी टेंशन जो थी सब खत्म, पुली का एक्सेलरेशन क्या आ रहा, इसके एक्सेलरेशन का आधा, तो मैंने इसको 2a मान लिया, पुली का कितना आ गया, a आ गया। इसके बाद तो सिंपल क्वेश्चन बन गया ये, ठीक है। इस चीज को इमेजिन भी कर सकते थे, देखो अगर पुली x नीचे खींचेगा, बोलो मेरे साथ, पुली अगर x नीचे खींचेगा तो स्ट्रिंग कितनी खींचेगा, 2x। सोचो ये यहां से खींच के यहां तक आया, कितना नीचे आया, x, तो x स्ट्रिंग इधर से भी खींचेगा और इधर के लिए भी इसको x चाहिए होगी भाई, जब पुली यहाँ आएगी तो ये स्ट्रिंग होगी पूरी, ये पूरी स्ट्रिंग इसको कहां से मिलेगी, इस वाले से ही खींचेगा, तो ये जब x नीचे आएगा इधर से कितना खींचेगा, 2x, यानी इसका एक्सेलरेशन a, तो इसका एक्सेलरेशन 2a। तो चाहे इमेजिन करो चाहे आप फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, फॉर्मूला लगा लो जल्दी होगा, ठीक है, अभी समझ में आ गया होगा। चलिए इक्वेशन लिखते हैं, यहाँ नीचे की तरफ फोर्स बोलिए 1g, एक्सेलरेशन a, सिस्टम को देखो किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो इक्वेशन बनेगी 1g माइनस ऊपर की तरफ फोर्स 2t इज इक्वल्स टू ma, 1 into a। यहाँ की इक्वेशन बोलो, इसके ऊपर फोर्स t इधर, एक्सेलरेशन भी इधर, t इज इक्वल्स टू ma, m कितना है 3, a है 2a, तो 3 2 6 ma, ये आ गई इक्वेशन, दोनों को ऐड कर दो, tt कैंसिल होगा, यहाँ 2t है यहाँ t है, क्या करें क्या करें क्या करें, मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दो, तो कितना हो जाएगा, ऊपर वाली इक्वेशन है 1g माइनस 2t इज इक्वल्स टू 1a, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2t इज इक्वल्स टू 12a, दोनों को ऐड कर देंगे भाई साहब, क्वेश्चन खत्म, 2 से 2t मर गया, g इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 13a, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, g बटे 13, इसकी एक्सेलरेशन 2 है, मतलब इसकी होगी 2 इंटू जी बटे 13, और इसकी एक्सेलरेशन a है, मतलब माइनस g बटे 13, माइनस लगा दिया क्योंकि ये नीचे जा रहा, फिर टेंशन पूछेगा, यहाँ a की वैल्यू पुट करके टेंशन को निकाल लो, बोलो कहानी समझ में आ रही। देखो एक बस लॉजिक लगाना कि पुली को अगर x नीचे लाए तो ये कितना आएगा, 2x, तो मैंने कहा कि इसके एक्सेलरेशन 2a पुली को, या तो फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूले से क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज a1 प्लस a2 डिवाइड बाय 2, मैंने माना पुली नीचे जा रही ap, तो मैंने लिखा माइनस ap, इस तरफ का एक्सेलरेशन 0 क्योंकि ये बंधा हुआ है, इस तरफ का एक्सेलरेशन a माना था, तो वो भी किस तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ, ये स्ट्रिंग, ये आगे बढ़ेगा स्ट्रिंग नीचे की तरफ, डिवाइड बाई 2, माइनस माइनस कैंसिल, एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज a बाई 2, तो इसका एक्सेलरेशन जब a होगा पुली का उसका आधा, तो इसका 2a, तो पुली का हमने कितना माना, a, और क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। आइए मूविंग पुली का देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, एचसी वर्मा का है, मोबिल पुली का है, आप अपने आप सब लोग सॉल्व करेंगे या पॉज करके वीडियो को। यहाँ पे रखा मास 2N का, इससे एक स्ट्रिंग लगाई और क्या लगाएंगे, मूवेबल पुली, जिसके क्वेश्चन आपको करने हैं आज, ये मूवेबल पुली रही, यहाँ पे लगा लो एक फिक्स्ड पुली और ये स्ट्रिंग मैंने डाल दी यहाँ से एक मास पे, मास m, ये तो वैल्यूज भी सेम पड़ गई और इसको यहाँ बांध दिया। चलिए भाई साहब, अब देखो ये वाली पुली कैसी है, फिक्स्ड है, दिख रही है यहाँ से फिक्स्ड, और ये पुली कैसी है हमारी, मूवेबल पुली है। ठीक है, एक काम करते हैं पहले टेंशन बनाते हैं, यहाँ पे टेंशन टी, ये स्ट्रिंग सेम है, यहाँ पे भी टेंशन टी, स्ट्रिंग अभी भी सेम है, यहाँ पर टेंशन टी, देख लो सेम स्ट्रिंग है, तो टी टी टी, तो इन सबको मिला के यहाँ टेंशन कितनी हो गई, टू टी, टी टी ने खींचा टू टी, है ना, टी टी ने खींचा टेंशन टू टी। अब एस्केलेशन की बात आई, एक बात बताओ इसका और इसका एस्केलेशन सेम होगा, बिल्कुल नहीं, बीच में क्या है, मूवेबल पुली। एक काम करते हैं मानते हैं ये नीचे गिर रहा एस्केलेशन ए से, यानी ये वाली स्ट्रिंग आगे बढ़ेगी एस्केलेशन ए से, बिल्कुल सही, ये वाली स्ट्रिंग को खींचेगा पर ये देखो बंधी हुई है, यानी स्ट्रिंग को भी ये खींचेगा पर ये बंधी हुई है, तो इसका एस्केलेशन हो जाएगा जीरो, एस्केलेशन ऑफ दिस पुली को हम बोल देते हैं चलो ए पी, पुली भी इस तरफ जाएगी, ए भी इस तरफ जा रहा, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, तो एस्केलेशन ऑफ पुली इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू डिवाइड बाई टू, एस्केलेशन ऑफ पुली इसी तरफ घुस, पुली भी इसी तरफ खींचेगी, इज इक्वल टू इसका एस्केलेशन ए, इसका एस्केलेशन जीरो डिवाइड बाई टू, सो एस्केलेशन ऑफ पुली इज ए बटे टू, ए बटे टू, यानी जो इसका एस्केलेशन होगा पुली का एस्केलेशन इसका हाफ आएगा, एस्केलेशन ऑफ पुली इज ए बाई टू, इसके एस्केलेशन का आधा, तो फिर से इसके एस्केलेशन को मान लो टू ए, तो पुली का एस्केलेशन हो जाएगा हमारा, बोलो 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 बोलो, पुली का एस्केलेशन हो जाएगा ए, और इस मास का भी पुली के साथ ए, बोलो क्लियर है। बस अब इसके बाद इक्वेशन लिखनी है, इस तरफ नीचे बोलो कितनी फोर्स एम जी, इसकी इक्वेशन बताओ किधर जा रहा, नीचे की तरफ, तो इक्वेशन क्या बनेगी, एम जी माइनस ऊपर की तरफ फोर्स टी इज इक्वल्स टू एम ए, यानी टू एम ए, इसके लिए इक्वेशन बोलो ए की फोर्स इस तरफ टू टी इज इक्वल टू एम ए, एम कितना है टू एम इन टू ए, अभी ऐड करोगे तो कैंसिल नहीं होगा टेंशन, तो इसको क्या कर ले मल्टीप्लाइड बाई टू, मल्टीप्लाइड बाई टू करोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी, बोलो मल्टीप्लाइड बाई टू, तो इक्वेशन बन जाएगी टू टाइम्स ऑफ एम जी माइनस टू टी इज इक्वल्स टू फोर एम ए, और इसको एज इट इज कॉपी कर लूँ टू टी इज इक्वल्स टू टू एम ए, अब दोनों को जोड़ दो तो टी से टी मर जाएगा, टू एम जी इज इक्वल्स टू सिक्स एम ए, यहाँ लिख लेता हूँ टू एम जी इज इक्वल्स टू सिक्स एम ए, एम से एम मर गया, ए कितना आएगा जी बटे थ्री, तो बच्चों इसका एस्केलेशन कितना आ रहा, टू ए आ रहा, यानी ये होगा टू टाइम्स ऑफ जी बटे थ्री, कैसा माइनस में, इसका एस्केलेशन ए तो ये इस वाले का, तो इसका कितना जी बटे थ्री प्लस में, क्योंकि पॉजिटिव एक्स में जा रहा है। तो अब मूवेबल पुली का मैं लास्ट क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ, जो कि 28th क्वेश्चन एससी वर्मा का, आइए देखते हैं। चल भाई देखेंगे, मेरे ख्याल से पुली के सवाल आप लोग क्लियर हो गए होंगे, अब हम लेते हैं वो क्वेश्चन जिसमें मैक्सिमम टीचर्स भी फंसे होते हैं, और अगर आपने बुक अच्छे से लगाई है तो आप भी फंसे होंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे मैंने एक मास लटका लिया 1 kg का, यहाँ पे मूवेबल पुली और यहाँ पे दो मास, पहचान गए होंगे एचसी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 28 और यहाँ पे 3 kg का मास, 1 kg 2 kg 3 kg, हमसे बोला है तीनों की एक्सेलरेशन और टेंशन बताना हो तो स्ट्रिंग में टेंशन बताओ, तीनों की एक्सेलरेशन। अब आपको दिख रहा है ये कैसा पुली है, मूवेबल, ये कैसा पुली है, फिक्स्ड, ठीक है। अब होगा क्या बच्चों कि ये 2 kg 3 kg 5 kg और इधर 1 kg, तो डेफिनेटली ये गिरेगा तो नीचे ही, पर जब ये नीचे गिरेगा अंदर भी एक मोशन होगा, क्योंकि ये 2 kg ये 3 kg ये भी आपस में मूव करेंगे, मतलब ये वाला सिस्टम इधर गिरेगा, सोचो सोचो दिमाग में, दो मोशन हो रहे हैं। अगर कोई बंदा यहां से इसको देखे, बाहर से ग्राउंड से देखे, तो उसे दो तरह के मोशन दिख रहे हैं, एक तो ये पुली नीचे आ रही है और एक इस पुली के अंदर इंटरनल मोशन भी हो रहा है, ये 3 kg नीचे गिरेगा 2 kg ऊपर आएगा, तो कॉम्प्लिकेटेड केस है, ठीक है। यहां इसका और इसका एस्केलेरेशन सेम नहीं होगा,
ये मत सोचना, हम लोग बोलते थे ना इसका नीचे की तरफ ए तो इसका भी ऊपर की तरफ ए, अब ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा बच्चों? क्योंकि अब पुली भी नीचे आ रही है। तो जब पुली नीचे आएगी, मान लो मैं यहां से देख रहा हूं बैठ के, ठीक है, मैं यहां से देख रहा हूं, जब पुली नीचे आएगी तो 3 kg वाला और तेजी से नीचे आता हुआ दिखेगा और 2 kg वाला कम तेजी से ऊपर जाता हुआ दिखेगा। चलो एक काम करते हैं, मान लेते हैं हम पुली के ऊपर बैठे हैं, ठीक है, ठीक है, हम कहां बैठ गए? पुली के ऊपर बैठ गए। अगर हम पुली के ऊपर बैठ जाएं तो हमें दिखेगा कि 3 kg नीचे जा रहा है, 2 kg ऊपर आ रहा, नॉर्मल। पर अगर हम बाहर से देखें तो पुली भी नीचे गिर रहा, अब 3 kg और तेजी से नीचे गिरेगा और 2 kg थोड़ा कम तेजी से ऊपर जाएगा। मतलब मैं ये समझा रहा हूं इनका एक्सेलरेशन भी डिफरेंट होगा। करना कैसे है? करना यार बड़ा सिंपल है, क्वेश्चन इजी है। चलो अपन मानते हैं कि ये पुली नीचे जा रही है विथ A1 मान लेते हैं, ये मास मान लेते हैं नीचे जा रहा विथ A3 और ये मान लेते हैं ऊपर जा रहा विथ A2। मैंने माना पुली नीचे आ रही A1 से, ठीक है, पुली नीचे आएगी क्योंकि इस पूरे सिस्टम का कुछ एक्सेलरेशन होगा। इसको माना ये A3 से नीचे, इसको माना A2 से ऊपर। कोई जरूरत नहीं है इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम करने की, ऐसे ही सवाल सॉल्व होगा। आ जाओ, अब पुली अगर A1 से नीचे जाएगी तो ये A1 से खींचेगा, मतलब ये 1 kg भी ऊपर किससे जाएगा? A1 से, होगा कि नहीं? ठीक है, तो तीनों का एक्सेलरेशन अलग अलग मान लिया हमने। अब हम लोग लिखते हैं इक्वेशन। चलो इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। एक इक्वेशन तो ये होगी भाई पुली का एक्सेलरेशन और इनको रिलेट करें। पुली का एक्सेलरेशन एपी क्या होता था? A1 प्लस A2 डिवाइड बाय 2। यहां पुली का एक्सेलरेशन माइनस A1 क्योंकि पुली भी नीचे जा रही, माइनस A1 इज इक्वल टू, ये ऊपर आ रहा तो हमने ले लिया A2, ये नीचे जा रहा माइनस A3 डिवाइड बाय 2। तो यहां से इसको इधर भेजा, माइनस 2A1 इज इक्वल टू A2 माइनस A3। हमारे पास ये एक इक्वेशन बनी, इसको मैं साइड में लिख लेता हूं, माइनस 2A1 इज इक्वल टू A2 माइनस A3। ठीक है, पुली की इक्वेशन समझ में आई, माइनस A1 पुली का, इधर का प्लस A2, इधर का माइनस A3 डिवाइड बाई 2। तो ये इक्वेशन हमारे पास एक तैयार। आइए अब तीनों की इक्वेशन बनाए, इसके बारे में सोचते हैं। चलिए यहां पर टेंशन, चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। यहां पर टेंशन टी, ये स्ट्रिंग सेम है, यहां पर टेंशन टी टी टी, तो यहां पर टेंशन कितना हो गया? 2T। देखो स्ट्रिंग चेंज हो गई है, टी टी यहां लगा तो दोनों को मिला के यहां कितना हो गया? 2T। यहां पे भी कितना हो जाएगा? 2T। देखो टी टी है तो यहां से भी टी लगेगा, यहां से भी टी लगेगा, तो टी टी मिला के 2T और ये स्ट्रिंग अब सेम है तो यहां पे भी 2T। आओ इसका लिखें सबसे पहले इक्वेशन, नीचे की तरफ बोलो 1G, ऊपर की तरफ 2T, तो इक्वेशन बनेगी इस वाले पहले वाले की, 2T माइनस जी इज इक्वल टू 1 इंटू A1। बोलो सही है? नेट फोर्स ऊपर की तरफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। आइए इसका लिखते हैं, नीचे की तरफ बोलो 3G, ऊपर की तरफ टी, एक्सेलरेशन नीचे माना है A3, तो इक्वेशन बनेगी 3G माइनस टी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ A3। फिर और इसकी इक्वेशन लिखें, नीचे की तरफ बोलो 2G, ऊपर की तरफ टी, एक्सेलरेशन किधर है? ऊपर, तो इक्वेशन बनेगी टी माइनस 2G इज इक्वल टू MA, 2 टाइम्स ऑफ A2। अब सॉल्व कैसे करें आप? बड़े वेरिएबल्स हो गए, टेंशन निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालनी, कैसे सॉल्व करें? इस तरह क्वेश्चन में काम किया करो, इस इक्वेशन में टी की सारी वैल्यूज रख दो, इस इक्वेशन में ये वाली सारी वैल्यूज रख दो जिससे टी की वैल्यू आएगी, फिर टी की वैल्यू रख के ए की वैल्यू आएगी। आइए समझाते हैं, इस इक्वेशन में आइए, माइनस 2 टाइम्स ऑफ A1, A1 कितना है? 2T माइनस जी इज इक्वल टू A2, A2 कितना हो जाएगा? टी माइनस 2G डिवाइड बाई 2। बोलो सही है, A2 की वैल्यू टी माइनस 2G डिवाइड बाई 2। माइनस A3, A3 की वैल्यू बोलो 3G माइनस टी डिवाइड बाई 3। दिखाई पड़ रहा है, समझ में आ रहा? A3 की वैल्यू 3G माइनस टी डिवाइड बाई 3। तो आइए इस इक्वेशन को आगे पढ़ाएं, माइनस 4T माइनस 2G सॉरी प्लस 2G इज इक्वल टू टी माइनस 2G डिवाइड बाई 2 माइनस 3G माइनस टी डिवाइड बाई 3। इधर एलसीएम हो जाएगा 6, तो 6 इधर 3 से मल्टीप्लाई, 3T 6G, इधर 2 से मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6G और ये माइनस माइनस प्लस और 2 से मल्टीप्लाई प्लस 2T, इधर बनेगा 2G माइनस 4T, ये 6 से आके इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 12G माइनस 24T इज इक्वल टू 5T माइनस 12G।
सही है। इस 12G को इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, 12G इधर आया, कितना हो गया 24G, 12G 24G, और ये 24 गया, 24 और 5 ऐड हो जाएगा 29T। यहां से आपको T की वैल्यू देखो मिल गई है 24/29G, तो हमें T की वैल्यू मिल गई 24/29G। तो पहले आप इक्वेशन बनाओ यहां से, उसमें T की वैल्यूज रख दो और T की वैल्यू निकाल लो। T की वैल्यू आ गई, अब T की वैल्यू यहां पुट कर दो A1 मिल जाएगा, यहां पुट कर दो A3, यहां पुट कर दो A2। A1 जैसे निकाल देता हूं, 2T - G = A1, तो 2 × 24/29G - G = A1, तो ये 29 हो जाएगा, ये हो गया 48 - 29G / 29 = A1। बोलिए सही है, सही है। तो ये 89 3 2 1 19/29G is acceleration of first, और कैसा आया है पॉजिटिव, यानी A1 की जो वैल्यू हम सोच रहे थे वैसी ही आई। मान लो A1 नेगेटिव आता, सुनो मेरी बात, मान लो A1 नेगेटिव आता तो जो हमने डायरेक्शन माना था वो गलत होता और एक्चुअल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इसके ऑपोजिट होता। यहां A1 कैसा आया प्लस, तो मतलब हमने जिस तरफ माना था उस तरफ से आंसर सही आ रहा। अगर यहां पे भी आंसर नेगेटिव आता तो हमने जो डायरेक्शन माना था वो गलत था, पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा होता। कई बार कंफ्यूजन होता है किधर एक्सेलरेशन होगा, इस तरह से A1 निकल आया, ऐसे यहां T की वैल्यू रख दो A3 और यहां T की वैल्यू रख दो A2। अगर A3 या A2 में से कोई भी नेगेटिव आता है तो मतलब जो डायरेक्शन माना है एक्चुअल आंसर उसके ऑपोजिट है। आप तो मान रहे हो फिगर देखकर। तो बच्चों ये तरीका था पुलिस के अच्छे सवाल करने के। अब इसमें इंक्लाइन प्लेन को मिला के भी कुछ सवाल मिलते हैं, तो उसके लिए एक छोटा सा वीडियो और निकाल रहे हम कि पुली और इंक्लाइन प्लेन को मिलाकर जो सवाल आते हैं। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।